फैजल जी, पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि आज आपने रोजा रखा है, लॉरेन बिश्नोई का फोटो भी है, किस वजह से रोजा रखा है? क्योंकि रोजा को अब काफी समय बचा है, काफी टाइम के बाद, और आज पोस्टर भी है, आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, बचपन से मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन रहा, और आज अगर उनके किसी भी चीज़ की मुसीबत आई है, जो भी टेररिस्ट हैं या जो भी गैंगस्टर उनको जो धमकी दे रहे हैं, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने बट मैं रमज़ान का भी वेट नहीं कर पाया। रमज़ान आने से पहले ही मैंने आज रोज़ा रख लिया था। एक्चुअली 2 दिन से पहले ही मैं सोच रहा था कि मैं रोज़ा मानूंगा, और हमारे धर्म में, मुस्लिम धर्म में बताया जाता है कि अगर रोज़ा सच्चे दिल से रख के कुछ माना जाए तो वो विश आपकी पूरी होती है। तो मेरी विश ये है कि सलमान भाई को सारी बुरी नज़र से बचें, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, इसलिए आज मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले ही रोज़ा रख लिया, जो आपके सामने अभी रोज़ा खुला है। एंड लॉरेन बिश्नोई का फोटो भी आपने रखा है, उसके बारे में थोड़ी काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है लॉरेन बिश्नोई और सलमान खान को लेके, आप क्या कहना चाहते हैं? वही मेरा मेन रीज़न आज रोज़े का यही है कि जबकि हमारे रमज़ान आई थिंक 2 दिन में स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई ने सलमान भाई को धमकी दी है कि मेरा अगला टारगेट हुआ है कुछ भी हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दीन में, मेरे धर्म में इतनी ताकत है कि अगर मैं सच्चे दिल से मांगूंगा तो कोई भी ऐसा बिश्नोई जैसे कोई भी लोग आ जाएं, सलमान भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि हम जितना जानते हैं कि सलमान खान को ये पहली बार धमकी भरा मैसेज नहीं है, ये तीसरी बार है, तो आप इस तीसरी बार क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब इस बार कुछ होगा या फिर वैसे दूसरी बार हवा में ही जो तीर चलाया गया वैसे ही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का मैं आपसे शेयर करता हूं कि कोई भी आपकी बुराई सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिसका सक्सेस आपसे बहुत कम है। तो सलमान भाई का इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया के लोग उन्हें पसंद करते हैं, अगर उनकी कोई बुराई कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है, तो ऑफकोर्स वो सलमान भाई से बहुत नीचे हैं। सलमान खान एक ऐसा नाम है जिन्होंने इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम दिया है, कितने लोगों के बच्चों को काम दिया है, और मुझे हैरत हो रही है कि इतने लोगों को सलमान भाई ने लॉन्च किया है फिर भी कोई उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। तो मुझसे ये सब रहा नहीं गया, और मैं तो सामने आ गया हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ, मैं तो सबके सामने आके भी ये पूरा अर्जी लेके आ गया हूँ कि अभी मेरी दुआ साथ है, और मेरे रोजे में अगर मेरी ताकत है तो सलमान खान को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस थ्रेड को लेके कितना स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धू मूसे वाले को भी उन्होंने ही मारा है, सिद्धू मूसे वाले को 1 साल होने वाला है, और जिस तरह उनके उधर सिक्योरिटी काफी बढ़ा चुके हैं, क्या लगता है पुलिस और सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, क्या लगता है गवर्नमेंट को किस तरह का स्टेप्स लेना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को तो सलमान खान का सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि सलमान खान एक ऐसा नाम है कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई बहुत लकी है, महाराष्ट्र लकी है अगर सलमान खान मुंबई में रहते हैं, मुंबई के हैं, सो गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करना चाहिए, और आई थिंक वो सपोर्ट कर ही रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो बहुत वायरल हो रही है, हर चीज़ सलमान खान के सपोर्ट में ही हो रही है। क्या उनकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए आपको लगती है, और बॉडीगार्ड या फिर गवर्नमेंट उनको Z+ सिक्योरिटी रहती है, वैसी टाइप की सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी रहती है, काफ़ी अलग अलग सिक्योरिटी? बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी देखिए बड़े या नहीं बड़े, मेरे हिसाब से जो लॉरेंस बिश्नोई है उनके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि आगे भी लोगों को सीख मिले कि अगर ऐसे भी कोई भी किसी भी बड़ा नाम को उठ के धमकी दे देगा। आज सलमान खान इतना बड़ा नाम है तो उन्होंने उनको जेल से ही धमकी दे दी है, जबकि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ जैसे करोड़ों लोग उनके लिए दुआ करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि सलमान खान का कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि अगर मेरे रोजे और दुआ में ताकत है, इसलिए मैं आज ये बिश्नोई का पोस्टर भी लेके सामने आया हूँ, और मैं एक दुआ आपके सामने पढ़ देता हूँ, जिससे ऊपर वाले ने चाहा तो सलमान खान का कोई कुछ नहीं कर सकता है। यासीन 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 वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिन अल मुरसलीन अला सिराति मुस्तकीम तंजील अल अज़ीज़ अर रहीम लितुंज़र क़ौमा मा अंज़र आबाहुम फ़हुम ग़ाफ़िलून लक़द अक़ल क़ौला अल अक्सरीन फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया अज़खान फ़हुम मुक़महून وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وصعقنا عليهم أعذبتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। देखिए, मैंने अभी सूरह यासीन पढ़ी है, जो कुरान पाक में इसकी बहुत वैल्यू बताई गई है हमारे कुरान शरीफ में, मुस्लिम समाज में कुरान शरीफ का दिल, कुरान शरीफ का हार्ट इस दुआ को बताया गया है, और मेरी मम्मी कह के गई थी मुझसे हमेशा, आज तो इस दुनिया में नहीं है, कि ये दुआ पढ़ के अगर आप किसी पर फूंक दें तो दुनिया की कोई ताकत कुछ इंसान का कुछ नहीं कर सकती। तो अब बिल्कुल बेफिक्र आप लोग भी हो जाइए, और मैं इसलिए आप लोगों को हम लोगों ने आज यहाँ बुलाया है कि आपके थ्रू पूरी दुनिया में ये मैसेज आए कि आप सलमान खान बिल्कुल सेफ़ हैं, ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह ताला उनका कुछ भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगी।